हम सभी को वो दिल दहला देने वाला और चौंकाने वाला पल याद है जब गॉडेस ऑफ डेथ हेला ने हैमर को तोड़ दिया था। उसने हैमर को इतनी आसानी से तोड़ा कि मानो जैसे वो उसके लिए कोई खिलौना हो। लेकिन फॉर्चुनेटली थॉर वेपनलेस नहीं रहा, उसने इन्फिनिटी वॉर में खुद के लिए खुद ही एक नया वेपन फोर्ज कर दिया जिसका नाम स्टॉर्म ब्रेकर था। स्टॉर्म ब्रेकर के इंट्रोडक्शन से ही ये टॉपिक काफी चर्चा में आ गया था कि थॉर के पुराने हैमर और स्टॉर्म ब्रेकर में कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए मैं आज यहाँ आपके लिए हैमर और स्टॉर्म ब्रेकर का एक डिटेल्ड पावर कंपैरिजन लेके आया हूँ। मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ, इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी अपडेट्स। अब अगर हम शुरुआत कॉमिक फैक्ट्स के साथ करें तो ये दोनों ही वेपन हमेशा सेम कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही वेपन सेम उरु मेटल से बनाए गए हैं। हाँ, बस थोड़ा बेसिक पावर डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। इसी उरु मेटल की वजह से ये दोनों वेपन अनडिस्ट्रक्टेबल बन जाते हैं नॉर्मल बींग्स के लिए यानी दूसरे सुपर हीरोज के लिए, पर कोई गॉड लाइक एंटिटी थॉर, ओडिन और हेला जैसी शायद इसको तोड़ सकता है, जैसा कि हमने थॉर रैग्नारोक में भी देखा था। अब अगर हम इन दोनों वेपन्स के ओरिजिन की बात करें तो हमें स्टॉर्म ब्रेकर का ओरिजिन तो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिल गया था, लेकिन अगर हम हैमर की बात करें तो हमें उसका कोई भी ओरिजिन अभी तक एमसीयू में देखने को नहीं मिला है। पर कॉमिक्स में हमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि म्योलनीर को गॉड किंग ओडिन के ऑर्डर पर बनाया गया था। म्योलनीर को भी स्टॉर्म ब्रेकर की तरह उरु मेटल से एक मरते हुए स्टार के द्वारा फोर्ज किया गया था नेडा वेलर में। अब अगर हैमर की जर्नी की बात करें तो एमसीयू में थॉर से पहले उसको हेला वील किया करती थी जिसने ओडिन की हेल्प करी थी नाइन रेम्स को जीतने के लिए, लेकिन ओडिन को हेला के इविल इंटेंशंस के बारे में पता चल जाता है इसलिए वो उसे हेल में कैद कर देते हैं, जिसके बाद हैमर को वील्ड करता है ओडिनसन थॉर। अब अगर हम इन दोनों वेपन्स की पावर कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले हम जिस पावर को कंपेयर करने जा रहे हैं उसका नाम लाइटनिंग पावर है। दोनों ही वेपन लाइटनिंग पावर को समन करते हैं जो थॉर की पावर्स को चैनलाइज करने का काम करती है, मतलब कि थॉर का हैमर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों ही उसकी पावर्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंस है इन दोनों ही वेपन्स के बीच में, जो कि ओडिन का एन्चेंटमेंट स्पेल है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि थॉर के पहले पार्ट में ओडिन ने म्योलनीर को अपने एन्चेंटमेंट स्पेल से स्ट्रॉन्ग किया था कि जो भी इसके लिए वर्दी होगा वही इस हैमर को उठा पाएगा जिसके अंदर थॉर की पावर्स आ जाएंगी, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर के साथ हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। कोई भी इंसान जो पावरफुल होगा स्टॉर्म ब्रेकर को वील्ड कर सकता है, इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस ने भी स्टॉर्म ब्रेकर को उठा लिया था। अब लाइटनिंग पावर के बाद बारी आती है वेपन समनिंग, और अगर वेपन समनिंग की बात करें तो हमने एमसीयू में काफी बार थॉर को अपने म्योलनीर को समन करते हुए देखा है जिसमें वो उसे सिर्फ हाथ बढ़ा के मीलो दूर से भी बुला लेता है, जो एग्जैक्टली थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ भी करता है, मतलब स्टॉर्म ब्रेकर को भी वो मीलो दूर से समन कर सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दोनों के बीच में एक अंतर है, वो अंतर ये है कि जो म्योलनीर यानी हैमर के लिए वर्दी है वो ही स्टॉर्म ब्रेकर को मीलो दूर से समन कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि हर कोई जो स्टॉर्म ब्रेकर को उठा सकता है जरूरी नहीं है कि उसे मीलो दूर से समन कर पाए। वेपन समनिंग के बाद बारी आती है फ्लाइट पावर, जिसमें दोनों ही वेपन अपने अपने यूजर्स को एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं उड़ने की। अंतर इसमें बस इतना होता है कि हैमर के यूजर को हाई स्पीड पर उसे स्पिन करना पड़ता था उड़ने के लिए, जैसे कि थॉर क्या करता था, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर के यूजर को सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर को जिस डायरेक्शन में उड़ना होता है उस तरफ पॉइंट करना होता था। अब फ्लाइट पावर के बाद बारी आती है एक ऐसी पावर की जो थॉर को पावर के साथ साथ इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है, और उस पावर का नाम रिसरेक्शन है। अब अगर बात रिसरेक्शन पावर की करें तो म्योलनीर में लोगों को ठीक करने और यहाँ तक कि उन्हें मौत से वापस लाने की भी शक्ति है, जैसा कि हमें थॉर के पहले पार्ट में भी देखने को मिला था जब थॉर डिस्ट्रॉयर के हाथों लगभग मारा ही गया था, लेकिन जैसे ही उसने हैमर को वील्ड किया उसके सारे जख्म भी ठीक हो गए और वो मौत को चकमा देकर वापस भी आ गया। वैसे अगर हम अब स्टॉर्म ब्रेकर की बात करें तो स्टॉर्म ब्रेकर भी अपने यूजर को ऐसी ही हीलिंग पावर प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ वही कंडीशन है कि स्टॉर्म ब्रेकर को वील्ड करने वाला इंसान म्योलनीर के लिए वर्दी होना चाहिए। अगर वो म्योलनीर के लिए वर्दी नहीं है तो वो स्टॉर्म ब्रेकर को वील्ड तो कर पाएगा पर स्टॉर्म ब्रेकर उसको हीलिंग पावर नहीं देगा। रिसरेक्शन के बाद बारी आती है फिजिकल ऑगमेंटेशन की। इसमें दोनों ही वेपन अपने वील्डर की फिजिकल एबिलिटी को एनहांस कर देते हैं और उन्हें गॉड लेवल स्ट्रेंथ और स्टेमिना प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हमने स्टीव रॉजर्स के केस में देखा था, क्योंकि जब वो हैमर के लिए वर्दी हो गया था तब स्टीव रॉजर्स ने मैट टाइटन यानी कि थैनोस को आमने सामने के मुकाबले में ऑलमोस्ट ओवर पावर कर दिया था, क्योंकि कैप्टन के अंदर हैमर की वजह से थॉर की पावर्स आ गई थी। फिजिकल ऑगमेंटेशन के बाद अब जिस पावर का नंबर आता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है जो स्टॉर्म ब्रेकर को हैमर से थोड़ा ज्यादा बेटर बना देती है, सिर्फ उसके लिए जो हैमर के लिए वर्दी है। इस नई पावर का नाम बायफ्रॉस्ट
बायफ्रॉस्ट समनिंग है। हैमर बायफ्रॉस्ट को समन नहीं कर सकता है, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रॉस्ट समन कर सकता है। इसीलिए इन्फिनिटी वॉर के एंड में जब थैनोस ने फुल स्टोन इन्फिनिटी गॉन्टलेट से थॉर के ऊपर हमला किया था, तो थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर की वजह से ही इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को दूसरे यूनिवर्स में समन कर दिया था। इसी वजह से थॉर थैनोस तक पहुंच तो गया था, लेकिन उसे स्नैप करने से रोक नहीं पाया था। स्टॉर्म ब्रेकर की बायफ्रॉस्ट समनिंग पावर की वजह से ही थॉर 9 रेम्स में इजीली ट्रेवल कर सकता है, इंक्लूडिंग मिडगार्ड यानी कि अर्थ। अब अगर हम हमारे आज के हैमर और स्टॉर्म ब्रेकर के कंपैरिजन और कंक्लूजन को जाने, तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही वेपन बहुत ज्यादा डेडली हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्बैट सिनेरियो को ध्यान में रखकर अगर किसी एक वेपन को चुने, तो स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ म्योलनीर यानी कि थॉर के हैमर को पीछे छोड़ देता है उसकी कटिंग एक्स नेचर की वजह से। मतलब म्योलनीर एक हैमर है, उसे अगर आप वार करते हैं तो वो बस एक जोरदार हिट होती है, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर नेचर से एक एक्स है जो कि अगर किसी के ऊपर इस्तेमाल की जाएगी तो वो उसे दो टुकड़ों में काट देगी। और रही बात मैजिकल पावर्स की, तो ये दोनों ही वेपन एक दूसरे से बढ़कर मैजिकल पावर्स को पजेस करते हैं। आज के हमारे वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन दोनों वेपन्स में से ज्यादा पावरफुल वेपन कौन सा लगता है। साथ ही में अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।